सो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो आज आपके सामने एक नया कुछ जुगाड़ करेंगे। आप देख रहे होंगे कि ये इंटेक्स का बूफर है, तो इस बूफर में ब्लूटूथ मोड कुछ नहीं होता, पहले पुराने आते थे फ्रेंड्स। तो हम इसको इसको इसमें इंस्टॉल करके देखेंगे, जो कि एक डिवाइस होता है जिसमें ब्लूटूथ, एसडी कार्ड, माइक वगैरह सब कुछ लगता है। तो हम इसको यहाँ पर इंस्टॉल करेंगे और इसके कनेक्शन कैसे कैसे करेंगे तो मैं आपको बताऊँगा। तो देखते हैं वाला कैसा बनता है हमारा ब्लूटूथ वाला वूफर, कैसे करेंगे इंस्टॉल, चलो देखते हैं। तो गाइस, सबसे पहले हम इस पैनल को खोलेंगे इस तरह से, बाहर सीधा इंटरनल पेचकस से खुल जाएगा। और पीछे वाले स्क्रू खोल के, जैसे मैंने ये खोल दिया था, वैसे आप इसको भी खोल दें। तो सबसे पहले जाएगा फ्रेंड्स, इसको यहाँ पर या कहीं पर भी जगह पे माउंट नहीं कर सकते हमें, और कोई इसी जगह पे माउंट करना पड़ेगा, क्योंकि इस जगह पे एक मतलब सर्कल जैसा अंदर बना हुआ डब्बा, जिसकी वजह से इसकी एयर जो आती है इसके अंदर, बेस में स्पीकर लगा होता है अंदर, ये देख रहे होंगे आप, नीचे स्पीकर लगा हुआ है। आप हर कहीं इसको फिट कर देंगे तो इसकी धमक से, वहाँ से एयर फ्लो इन छेदों से बाहर आ सकता है और ये वाइब्रेट कर सकता है। तो फिलहाल हमारे को इसके अंदर ऊपर ही इंस्टॉल करना पड़ेगा, क्योंकि इसके ऊपरी साइड जगह है फ्रेंड्स। तो मैं कुछ इस तरह से इधर इसको माउंट करूँगा, पहले इसके निशान देके यहाँ पर होल कर लेते हैं, फिर मैं बताता हूँ आपको कैसे मैंने इसको माउंट किया इधर। तो हमने इसके यहाँ से कपलर खोल चुके हैं, ये वाले कपलर हमने दोनों खोल दिए, इसके इस साइड का भी साइड से, इसे इसकी साउंड प्लेट और इसके अंदर का एम्पलीफायर बोर्ड जो होता है, इसमें दोनों लग हो जाते हैं। तो हमारे पास बचता है एक केबल, तो खोल नहीं सकते फ्रेंड्स क्योंकि यहाँ पर इसमें ग्लू लगी हुई है। तो हम यहाँ पर अब इसके होल करेंगे, तो इसका साइज लेके हम होल करते हैं फ्रेंड्स। कुछ इस तरह से हमने होल कर चुके हैं इधर, इसके ऊपरी साइड, नीचे साइड इसका पैनल लगेगा, ऊपरी साइड हमारा ये वाला पैनल। कुछ इस तरह से हम यहाँ पर इंस्टॉल करेंगे, इस तरह से हम इसके साइज का होल काट चुके हैं, स्क्रू से इसको हम कस देंगे बाद में। तो पहले फिलहाल होल हमारा हो चुका है और इधर वाला ये प्लेट है, और अब करते हैं इसके कनेक्शन। कनेक्शन भी फ्रेंड्स ईजी है, यहाँ पर हमारे को 5 वोल्ट्स जुड़ने पड़ेंगे, क्योंकि तो इसमें भी यहाँ पर शायद इस पॉइंट पे 5 वोल्ट्स मिल सकते हैं हमारे को, इसके अंदर लिखा होता है फ्रेंड्स, आपको मैं बताता हूँ। ये देखिए 5 वोल्ट्स, जो प्लस वाला 5 5+V लिखा हुआ है, ये प्लस पॉजिटिव है, और जहाँ पर GND लिखा हुआ है, ये ग्राउंड मारा है, ग्राउंड वायर। तो यहाँ से हम प्लस उठाएंगे और नेगेटिव भी यहीं से उठाएंगे, जिससे हमारा कि इसी पैनल में को भी करंट मिल जाएगी, और हमें इसका आउटपुट हमारे को ऑक्स वायर पे देना पड़ेगा, जहाँ पर इसकी ऑक्स इनपुट है। इनपुट में फ्रेंड्स हम इसको निचली साइड से इसकी 3 वायर यहाँ पर इंस्टॉल करेंगे, और उस वजह से हमारे इसमें साउंड आ जाएगा। तो फिलहाल हम पहले इसकी, मैं पहले फिटिंग कर लेता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से इसकी वायरिंग की जाए। सो फ्रेंड्स, हमने इसमें बिल्कुल हमारे कनेक्शन बिल्कुल मैंने इसमें कनेक्ट कर चुका हूँ, और इसका मैंने मेन जो 5 वोल्टेज का कनेक्शन मैंने बनाया था फ्रेंड्स, तो मैंने यहाँ से दिया है, जो कि इसका भी आउटपुट 5 वोल्ट ही है, जो कि इसमें जो ये वाला पैनल आगे वाला चलता है उसमें भी 5 वोल्ट ही आता है। तो हमने इसी से यहाँ पर कनेक्ट किया है, और जो इसमें से फ्रेंड्स मैंने जो यहाँ से ऑडियो आउटपुट की 3 वायर होती हैं, जैसे कि आप देख रहे होंगे, ये वाली 3 वायर है फ्रेंड्स। एक वायर मेरी अभी खींचते खींचते टूट गई, यहाँ देखिए, और ये वाली 3 वायर हमने यहाँ पर कनेक्ट की है फ्रेंड्स, जो कि ऑक्स इनपुट पे है। ऑक्स इनपुट यहाँ पर हमने इसकी 3 वायरें कनेक्ट की है, 2 लेफ्ट राइट और 1 ग्राउंड। तो फिलहाल हमने इस तरह से इसको पूरा असेंबल कर चुके हैं। तो मैंने कनेक्शन आपको बता दिया फ्रेंड्स, अब मैं इसको फिट करके आपको वॉल्यूम सुनाता हूँ। सो गाइस, मैंने प्रॉपरली सब कुछ फिट कर चुका हूँ बिल्कुल ओके तरीके से, और मैंने अपने लैपी से म्यूजिक भी लगाया है। तो अब मैं आपका साउंड चेक करता हूँ, ये देखिए साउंड सुनाता हूँ, ये वायरलेस ही लगा हुआ फ्रेंड्स, ये देखिए, ये सारे इधर से लगा है, ये देखिए। मैं इस गाने को पॉज भी करता हूँ, ये देखिए पॉज हो गया, ये ब्लूटूथ से कनेक्ट है फ्रेंड्स, इससे हमने BT मोड चलाया है इसमें। तो मैंने इसको माउंट कर चुका इधर, तो हमने फिलहाल ये देखिए बेस कम, ट्यूट कम, वॉल्यूम, ये वॉल्यूम फ्रेंड्स थोड़ा जैसे छोड़ो, ये बेस, ये ट्यूट,
तो मतलब फ्रेंड्स, आपको हमारी क्वेश्चन कैसी लगी? हमने इसमें ब्लूटूथ फिट किया, मॉड्यूलेटर पैनल मैंने कनेक्शन में आपको पूरे समझाए और बड़े बढ़िया तरीके से हमारा वर्क करा है। वीडियो अच्छी लगी हो शेयर सब्सक्राइब लाइक वीडियो सब कुछ फ्रेंड्स खींच के। थैंक यू।